बैठिएगा जोरदार तालियां वसीम मजहर के लिए। शुक्रिया। बुद्ध से कबीर तक इस यात्रा में जितने भी लोग सम्मिलित हुए हैं, मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूं। और ये मुझे हुक्म हुआ है, हुक्म की तामील में एक सीधे सीधे देशभक्ति नज्म पेश कर देना चाहता हूं, जिसका उन्वान है मेरा हिंदुस्तान। बुद्ध से कबीर तक इस यात्रा को जहन में रखिएगा और ये बंद सुनिएगा यहीं से। यही है मेरा हिंदुस्तान, 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 जिसकी फजा में हर सो गूंजे की तोर कुरान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान। इस नज्म का पहला बंद हमारे देश की जो खूबसूरती है, मैंने इस खूबसूरती को इन मिस्रों में पिरोया है, प्रस्तुत करता हूँ, सुनिएगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की आंखों का तारा है, इस यात्रा में मौजूद एक शख्स ना हिंदू है ना मुसलमान है, ना सिख है ना ईसाई है, सिर्फ सच्चा हिंदुस्तानी है। पहला बंद प्रस्तुत करता हूं नज़्म का, सुनिएगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की आंखों का तारा है, अपने वतन का जर्रा जर्रा हमको जान से प्यारा है, अपने वतन का जर्रा जर्रा हमको जान से प्यारा है, फूलों के रंगों की तरह है हर मजहब के लोग यहाँ, सबकी बोली अलग अलग है, सबकी अपनी अलग जबान, सबकी बोली अलग अलग है, सबकी अपनी अलग जबान, गंगा जमुना से मिलकर अमृत के धारे बहते हैं, पर्वत से ये गिरते झरने झूम झूम कर कहते हैं, भूल जाते हैं पाप इसमें जो करता है स्नान, यही है मेरा हिंदुस्तान, 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 यही है मेरा हिंदुस्तान। मैं इस मंच से उन 42 शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जो आतंकियों का निशाना बने हैं। एक बंद प्रस्तुत करता हूं, सुनिएगा। वीर भगत सिंह गांधी नेहरू, वीर भगत सिंह गांधी नेहरू से दुश्मन घबराते थे, वीर भगत सिंह गांधी नेहरू से दुश्मन घबराते थे, बिस्मिल और अशफाक उल्ला के नामों से डर जाते थे, बिस्मिल और अशफाक उल्ला के नामों से डर जाते थे, अंग्रेजों की गर्दन पर तलवार चलाई टीपू ने, जंग के मैदान में दुश्मन को भूल चटाई टीपू ने, चढ़कर दुश्मन की छाती पर यूसुफ ने ललकारा है, अंग्रेजों अब भारत छोड़ो, भारत देश हमारा है, यही जिएंगे यही मरेंगे करते हैं ऐलान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान। आप सबका ये अच्छा लगेगा इंशाल्लाह ताला। यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान। स्वामी विवेकानंद ने कहा था,
कि हिंदुस्तान का शरीर अगर हिंदू है तो उसकी आत्मा मुसलमान है, लिहाजा हिंदू और मुसलमान के बगैर कभी हिंदुस्तान की तस्वीर मुकम्मल नहीं हो सकती। एक बंद प्रस्तुत करता हूं इस नज़्म का, सुनिएगा। यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा कृष्ण कन्हैया की ये धरती, राम यहाँ के वासी है। कृष्ण कन्हैया की ये धरती, राम यहाँ के वासी है। बलियों ने यह जन्म लिया, यह साधु है सन्यासी है। बलियों ने यह जन्म लिया, यह साधु है सन्यासी है। कानों से आवाज अजा की रह रह कर टकराती है। रोज सवेरे मंदिर से आवाज भजन की आती है। रोज सवेरे मंदिर से आवाज भजन की आती है। ईद की रस्मत बैसाखी को हम सब मिलके मनाते हैं। क्या होती है होली दिवाली दुनिया को बतलाते हैं। सबके लिए है इज्जत अजमत, सबके लिए सम्मान। यही है मेरा हिंदुस्तान, 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 यही है मेरा हिंदुस्तान। अंतिम बंद इस नज़्म का मुझे याद है, अमन का पाठ पढ़ाया है गुरु नानक ने। परवचनों से अमन का पाठ पढ़ाया है। किश्त सर से यदने दिल में इल्म का दीप जलाया है। किश्त सर सैयद ने दिल में इल्म का दीप जलाया है। सबके मन को मोह लिया है मीरा की चौपाई में। देश की खातिर जान गवाई रानी लक्ष्मी बाई ने। याद रखेंगे दुनिया वाले जाकिर साहब का तबला। कहीं बजेगी शहनाई तो याद आएंगे बिस्मिल्ला। इन लोगों ने देश की अपने मुहब बढ़ाई शान। यही है मेरा हिंदुस्तान, 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 यही है सबका हिंदुस्तान, यही है अपना हिंदुस्तान, यही है मेरा।